नमस्कार। घर के अंदर पौधे रखने का शौक है लेकिन वक्त नहीं है, तो आज हम रूबरू होंगे कुछ ऐसे पौधों के साथ जिनकी मेंटेनेंस बिल्कुल जीरो। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के आखिर तक। मैं हूं अंजना, वेलकम टू गार्डनिंग 101 सेगमेंट ऑफ अम्लान बाग। आज हम जिन पौधों की बात कर रहे हैं उन्हें आप ऑफिस डेस्क पे रख सकते हैं, साइड टेबल पे रख सकते हैं, इवन बाथरूम में रख सकते हैं। ये पौधे ज्यादातर वीड्स हैं जो कि पॉन्ड या लेक में उगते हैं। पॉन्ड या लेक के ठहरे हुए पानी में ये तैरते रहते हैं और इसीलिए इन्हें बेसिकली फ्लोटिंग प्लांट्स भी कहते हैं। हार्मफुल होते हैं इकोसिस्टम के लिए क्योंकि ये ऊपर के पूरे पानी को बंद कर देते हैं और एक्वाटिक लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन अगर घर में हम इन्हें सजाते हैं तो कोई हर्जा नहीं है क्योंकि ये एक तरीके का एक्वाटिक वीड है, इसीलिए ये इन्वेसिव होता है, बहुत ज्यादा फैलता है, एक्वाटिक लाइफ के लिए खराब होगा। लेकिन अगर आप इसका थोड़ा सा हिस्सा अपने घर में सजाते हैं तो इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहला पौधा मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी थी पिछले एक वीडियो में, पिस्टिया या वाटर लेटस। ये बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है और अपने आप मल्टीप्लाई होता रहता है, बिल्कुल फूल की तरह ये दिखाई देता है और सिर्फ पानी में रहता है। उस वीडियो के बाद कई कमेंट्स आए थे कि इसका पानी कब कब चेंज करना है। तो देखिए, जो पौधा खुद ही पानी में रहता है और गंदे से पानी में रहता है उसका पानी चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब पानी कम हो जाता है तो बस आप उसमें पानी ऐड करते रहिए, सिर्फ इतनी सी इसकी मेंटेनेंस है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उगाने का तरीका उस वीडियो में मैंने शेयर किया था, सबका वही तरीका है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप उसे देख लीजिएगा तो ये उगाना आपको अच्छे से आ जाएंगे। दूसरा ऐसे ही पानी में उगने वाला पौधा है पेनीवॉर्ट। बहुत ही खूबसूरत, इसकी सिक्के के जैसी पत्तियां होती हैं, जैसे कॉइन होता है उसके जैसी पत्तियां होती हैं। पतली सी टहनी के ऊपर ये कॉइन जैसी एक पत्ती लहराती रहती है। इस पौधे की खास बात यह है कि इसे अगर आप मिट्टी में भी लगाएंगे तो भी ये उसी तरीके से चलता रहेगा, बस इसको पानी ज्यादा चाहिए। अगर हम मिट्टी में लगाते हैं तो इसको पानी देते रहिए, और अगर ये पानी में उगा हुआ है तो जब जब पानी कम हो जाए पानी ऐड कर दीजिए और ये आराम से चलता रहेगा। एक होता है फ्लोटिंग प्लांट्स, जो पॉन्ड या लेक की सतह पर बिल्कुल फ्लोट करता रहता है, बहुत छोटी छोटी सी जड़ें होती हैं। ये मेरे पास एक वैरायटी है, ये या तो साल्विनिया है या डकवीड है, काफी सिमिलर होते हैं इसीलिए इसको डिस्टिंग्विश करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। अगर कोई एक्सपर्ट है तो प्लीज बताएं। इस पौधे की सबसे अच्छी बात होती है कि ये बहुत छोटी छोटी क्यूट पत्तियों के फॉर्म में ऊपर तैरता रहता है, इसीलिए इसे आप टेरेरियम्स में भी यूज कर सकते हैं। जब हम वाटर टेरेरियम बनाते हैं तो फ्लोटिंग ग्रीन्स के रूप में इसे हम यूज कर सकते हैं, साथ ही एक्वेरियम्स में भी आप थोड़ा थोड़ा सा इसे डाल दें। अगर सारे वीड्स में देखा जाए तो डकवीड एक ऐसा वीड है जो फैलता तो बहुत है, इन्वेसिव है, लेकिन एक्वाटिक लाइफ के लिए फायदेमंद भी है। एक पानी का पौधा होता है वाटर चेस्टनट। वाटर चेस्टनट भी बहुत खूबसूरत होता है, इसी तरीके से फ्लोट करता रहता है। देखिए इसकी पत्तियां कितनी खूबसूरत हैं। और ये एक और पौधा है जो कि बिल्कुल ऐसे सीधा खड़ा हुआ है, इसका नाम मुझे बिल्कुल नहीं पता है, अगर किसी एक्सपर्ट को पता हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा, लेकिन दिखता बहुत खूबसूरत है और बहुत ही डेलिकेट लुकिंग प्लांट है। एक प्लांट है जो कि बेहद इनविजिव है, एक्वाटिक लाइफ के लिए बहुत खराब है, लेकिन बहुत खूबसूरत है, और वो है वाटर हाइसिंथ। इसमें पर्पलिश व्हाइट फ्लावर्स आते हैं और इतनी खूबसूरत कर्ली लीव्स होती है कि जब ये फैलता है तो बहुत सुंदर लगता है। लेकिन घर में अगर आप इसको छोटे पॉन्ड में लगाते हैं तो इसकी सुंदरता बरकरार रहेगी, लेकिन हाँ, पॉन्ड और लेक के लिए ये बहुत हार्मफुल होता है। इसे पब्लिक सर्विस के जरिए कई लोग उखाड़ते भी हैं जाकर के। अगर आप किसी पॉन्ड या लेक के किनारे रहते हैं तो आपको ये पौधे या इससे मिलते जुलते कोई भी पौधे डायरेक्टली मिल सकते हैं। उगाने का तरीका सबका वही है, सबको थोड़ी सी मिट्टी चाहिए नीचे और थोड़ी सी खाद चाहिए, बस पानी में इन्हें उगा दीजिए। अगर आप नर्सरी से खरीदने जाते हैं तो कभी भी बहुत महंगा इसे मत खरीदिए, क्योंकि ये बहुत सस्ते पौधे हैं, 10 रुपए से मैक्सिमम 30 रुपए तक आपको ये पौधे मिल जाने चाहिए। पानी में उगने वाले और भी कई पौधे हैं जो कि वीड नहीं है लेकिन हमारे ही गार्डन प्लांट्स में से कुछ हैं। एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था इंडोर वाटर प्लांट्स, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे देखेंगे तो आपको ये भी पता लगेगा कि और कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिन्हें हम पानी में उगा के बिना मेंटेनेंस के रख सकते हैं। किसी का हमें पानी वीकली चेंज करना होता है, किसी का मंथली चेंज करना होता है, लेकिन जहां तक वीड्स की बात है, नो चेंज, जीरो मेंटेनेंस, आराम से उगाइए। तो चलिए फिर क्रिएटिविटी के साथ इस पौधे का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कीजिए और देखते रहिए अम्लान बाग को। सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। नमस्कार।